हाय गेमर्स, व्हाट इज अप, इट्स योर बॉय गेमर फ्लीट हियर। और आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस सीजन 2 के चारों नए मैप्स, और वो आप लोग कैसे इजीली क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो चलो देखते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहले राउंड की बात हम करने वाले हैं सीजन 2 के, वो है नाइट फीवर। और नाइट फीवर एक ऐसा राउंड इन लोगों ने सीजन 2 में दिया है ना गाइस, जो आएगा तो आपका फर्स्ट राउंड मैच का वही होगा, वरना आगे जाके नहीं आएगा ये। तो ये क्या करता है, ये मैक्सिमम शायद से 50% या कभी कभार जब बहुत हाई होती है 30% के आसपास लोगों को मतलब क्लीन कर देता है, एकदम साफ कर देता है। तो इसमें आप लोगों को कैसे भी आगे आना बहुत जरूरी है, अगर पहला राउंड ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे जाके। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ये एक्स वाला आया, तो इसमें तो बहुत ईजी है, आपको क्या करना है एक एच पकड़ के, या फिर अगर आप सेंटर से जा रहे हो तो सेंटर से भी जा सकते हो, क्योंकि सेंटर पर कोई होल नहीं है अगर आप ध्यान दोगे तो। बाकी तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, इन एक्सेस को डॉच करना है। फिर जब इस रोल पर आओगे ना, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था मेरा भी स्टार्टिंग में कि ये रोल्स भी मूव करते हैं, ये रोल्स मूव नहीं करते हैं रोल आउट की तरह। तो आप लोगों को कॉन्स्टेंट चलने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली देख रहे हो जैसे मैं साइड को चला तो मैंने आराम से उसको डॉच कर लिया, तो आप ऐसे डॉच कर सकते हो। और ये स्लाइम वाली जगह पे तो आप कैसे भी जंप और डाइव मार दो, आपको चाहे कोई चीज हिट करे ना करे आप बच जाओगे। फिर ये रोल वाले में क्या करना है, एक एज पकड़नी है, जैसी एक रोल ऊपर को आके पूरा साइड चले जाता है उसके बाद आप रन करो, आराम से कर लोगे। इन ब्रिजेस में बहुत ही ईजी, जैसे देखो ये राइट वाला ब्रिज क्लोज हुआ था, जैसे ही ये बंद होने लगा वैसे ही इस पर चढ़ जाओ। अगर बाई चांस थोड़ी सी जगह है तो जस्ट डोंट डाइव, डाइव के सॉरी जंप एंड डाइव करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी तो फिर आसानी है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा और इस गेम प्ले से भी आप लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो कमिंग अप टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ सीजन 2, हम लोग बात करते हैं हुप्सी लेजेंड्स के बारे में। अब गाइस देखो, हुप्सी लेजेंड्स और जो हमारा हुप्सी डेजी होता था सीजन 1 में, इट्स द सेम, और हुप्सी डेजी अभी भी आ सकता है। फर्क इतना है कि हुप्सी डेजी वॉज अ टीम गेम और ये वाला सोलो है। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इसमें आप लोगों को 6 पॉइंट्स मतलब 6 आपको रिंग्स लेने थे, कभी कभार 7 होता है, बहुत रेयर आता है वाला, बट आता है। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेंटर टॉप सेंटर पे कि आपको 6 रिंग्स लेने, जैसे मैंने पहली रिंग ली, तो आप जैसे स्टार्ट होने वाला होगा ना उसमें ध्यान दे देना कि किस में जाना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ होती है, आप अगर जंप डाइव करोगे सीधे इस प्लेटफॉर्म पर आओगे। अब सेंटर की एक खास बात है कि गाइस सेंटर में सबसे ज़्यादा रिंग स्पॉन होती हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे लेते हो। और ये देख रहे हो जैसे सामने गोल्डन रिंग है, इस गोल्डन रिंग के गाइस आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, सो आई कुडंट टेक इट, बट ठीक है इस रिंग के आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं और आप लोग इजीली इसको लेके क्वालिफाई कर सकते हो। बट स्टिल गाइस हर एक रिंग के आपको 1 पॉइंट मिलता है और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको रिंग्स कलेक्ट करनी है। और बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे मैंने इजीली विदाउट एनी प्लेटफॉर्म वहाँ पे क्लियर कर लिया। और ये चीज़ ध्यान देने वाली कि ये प्लेटफॉर्म्स गाइस मूव करते हैं इफ़ यू डोंट नो, और बाकी तो फिर इजीली आप लोग एक एक हुप से निकलते हुए 6 हुप्स आप लोगों को कैसे भी लेने हैं तो आप लोग वो हुप्स को कलेक्ट कर सकते हो और आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ओके गाइस, द थर्ड राउंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन सीजन 2 इज एग सीज। अब एग सीज और एग स्क्रैम्बल एकदम सेम टू सेम है, बस फर्क ये है कि एग सीज में ग्रीन कलर की जो टीम थी वो हटा दी गई है, सिर्फ 3 टीमें होती हैं। और इसमें जो अपना बेस होता है जहाँ पर हम अंडे डालते हैं, जो नेस्ट भी बोलते हैं लोग, तो वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक बार कोई एग अंदर चला गया तो उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट स्टिल इट्स मोर डिफिकल्ट देन दी एग स्क्रैम्बल। तो आप लोग क्या करो, जैसे मैं बाकी में बोलता था कि लाइक नॉर्मल एग के लिए जाओ और फटाफट से जितने ज़्यादा हो सके स्टार्टिंग में डाल लो, फिर दूसरों के एग्स निकालो। बट इसमें क्या है, इसमें आप सीधे गोल्डन एग के लिए जाओ, थोड़ा लाइक हासिल करना पड़ेगा बट सीधे गोल्डन एग के लिए जाओ और उसके बाद गोल्डन एग को एक बार डिपॉजिट कर लिया, फिर आप लोग हो सके तो उसको प्रोटेक्ट करो या फिर दूसरे के एग्स जाके निकालने की ट्राई करो जब तक वो तुम्हारे एग्स निकालने की ट्राई कर रहे हैं। बाकी फिर आप लोगों के ऊपर है, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक है कि आप लोग सीधे गोल्डन एग के लिए अटैक करो, अपने बेस में डालो और फिर उस गोल्डन एग को प्रोटेक्ट करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग जीत ही जाओगे, क्योंकि इसमें एग्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है एग्स स्क्रैम्बल से। ओके गाइस, द नेक्स्ट राउंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द लास्ट राउंड, जो कि चौथा राउंड है सीजन 2 का एकदम लेटेस्ट जो है, जिसका नाम है वॉल गाइस। अब देखो वॉल गाइस का क्या सीन है, इसमें वॉल्स होती हैं एज इन द नेम, और वॉल्स को क्या होता है कि हर बार हर लेवल के साथ वॉल्स जो होती हैं वो टॉलर होते जाती हैं और आपको बस उन वॉल्स को कैसे भी कवर अप करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक्स। अब देखो सीन क्या है कि ये ब्लॉक्स का ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट ब्लॉक्स ऐसे बनाए गए कि आप एक के बाद एक ब्लॉक में जंप कर सकते हो। बट कभी कभार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यार इससे अगले ब्लॉक्स में कैसे जाएंगे। अब देखो अगर वो ब्लॉक ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो आप लोग इजीली जंप डाइव करके उसके ऊपर जा सकते हो, और अगर थोड़ा छोटा है तो यू कैन जस्ट जंप एंड ग्रैब वाले बटन को दबा देना, वो बॉक्स को ऐसे करके नीचे से पकड़ लेगा और उसके बाद आप उसको दबाए रखना ग्रैब वाले को, वो ऊपर खींच लेगा जैसे हम नॉर्मली वर्ली विंड में करते थे, बिल्कुल वैसे ही ये ग्रैब करके ऊपर चढ़ जाएगा। बाकी
देर इज ऑल्सो वन ट्रिक कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आपको परफेक्ट होने में, बट आप जब जंप करोगे अगर बाई चांस थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप जंप करो, डाइव करो, और डाइव वाले बटन को दबाते ही, ग्रैब वाले बटन को दबाए रखना, तो जब भी आप किसी चीज़ से टकराओगे तो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन टकराने के बाद आप उसको पकड़ लोगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आप इसमें काम कर सकते हो, बाकी तो एज यू कैन सी इन द गेम प्ले आप लोग ऐसे करके इजिली इसको क्लियर कर सकते हो। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज मैं सोच रहा हूँ एक पार्ट बनाने की जहाँ पर मैं सारे के सारे फिनाले, फॉल माउंटेन, रॉयल फंबल, आपका हेक्सागॉन और फाइनल शोडाउन, इन चारों के चारों पे एक वीडियो बनाओ जिससे कि आप लोग कैसे उसे इजीली क्रॉस कर सकते हो और विंस ले सकते हो। तो अगर आपको वो पार्ट चाहिए तो गाइज इस वीडियो में अगर 50,000 व्यूज हो गए और 10,000 लाइक्स हो गए तो गारंटीड आई विल मेक दैट पार्ट। तो जिसने भी लाइक नहीं किया कर देना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, और शाम के 7 बजे वाली स्ट्रीम्स माना मत भूलना।